सोचने पे मजबूर कर, या किसी कोई मेरे बोले दो शब्दों की वजह से कुछ सोचता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैंने जेन्युइनली कुछ कंट्रीब्यूट किया है अपने शहर, है ना, दैट मेक्स द होल फाइट वर्थ इट। यार ओके, तो बेसिकली ऐसा ही कुछ आगे होने वाला है। कुछ नंबर्स आपको बताता हूँ। 13 साल पहले बिग एफएम शुरू हुआ था, अब 13 साल, अब ना रीडिंग ग्लासेस भी आ गए। हाँ, तो 13 साल के बाद आज 59 रेडियो स्टेशन है इंडिया में, 92.7 बिग एफएम के। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट्स 92.7 बिग एफएम पर कंप्लीटली यूनिक है। सेलिब्रिटी आरजेज है, अनु कपूर साहब है, नीलेश मिश्रा है जो पैन इंडिया जाते हैं, खुराफाती नितिन है दिल्ली में, प्रदीपा है बैंगलोर में, एंड मेनी मोर। बिग एफएम की का ये जो सफर है ना, दिस जर्नी 13 साल की, इट बेसिकली इट हैज इवॉल्व्ड एंड हैज बिकम द नंबर 1 रेडियो स्टेशन इन इंडिया टुडे। जिस जिसने ताली बजाई ना, आप लोगों को छोड़ के सबको पता है कि अप्रेजल का टाइम करीब है। हाँ, अब बिग एफएम का ये मानना है कि बस अगर हमको दुनिया बदलनी है, बोलना बहुत आसान है रे, मैं दुनिया बदल डालूंगा, मैं पूरे घर के बदल डालूंगा, बोलना बहुत आसान है, बट दैट जर्नी बिगिंस विद चेंजिंग योर थॉट्स। हो रहा है इस 92.7 बिग एफएम की जर्नी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही इंपैक्टफुल पहलू, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट शोज का पॉपअप। बाप रे, ऑडियो वीडियो एंटरटेनमेंट शोज का, दिस इज अ शो दैट विल बी एट द फोरफ्रंट ऑफ डीलिंग विद हॉट बटन टॉपिक्स। अब हॉट बटन मतलब क्या है यार? देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है हमारी जिंदगी में, हमारी दुनिया में, जिसके बारे में आप पब्लिक फोरम पे तो छोड़ो, एक दूसरे से भी बात करने में हम लोग कभी घबराते हैं, कतराते हैं, है ना, कि अरे यार इसके बारे में बोले इसका मूड खराब हो जाएगा, बाद में मालूम नहीं दोस्ती खराब हो गई तो क्या। लेकिन 92.7 बिग एफएम नहीं डरता है दोस्त। अब इस ऐसे फॉर्मेट वाले शो के लिए बिग एफएम जुड़ा है एक ऐसी पर्सनालिटी से, हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना जोर से बोल रहा हूं रोम तक सुनाई दे रहा है, प्लीज गिव इट अप फॉर विद्या बालन। बेटा धन बदल के देख, धन बदल के देख, बेटा धन बदल के देख, धन बदल के देख, बेटा क्यों खुश बसा के बोलते, क्यों चाशनी में खोलते, दिमाग का जो बंद लॉक, अरे उसको क्यों ना खोलते, आंख पे बांधी ये पट्टी उतार करके देख, हाँ देख, हाँ विद्या की कसम, धन बदल के देख बेटा, धन बदल के देख, धन बदल के देख बेटा, धन बदल के देख, कैसे हुई तूने सोच कैसे लिया, राग जो सुनाया सब उसको चैलेंज किया, अपनी जेब में डाल लेता, क्योंकि अगले 30 मिनट तक वाइन बार अब खुला है।
इतने काम लगता है ना, खत्म होने पर डाल के रख देने काम क्या रे, अरे इतना हंसने का क्या उसमें। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बेसिकली 30 मिनट्स द बार इज ओपन, जा सकते हैं, सब टी टोटलर है, अरे पैसा बच गया, हेलो जो भी है इवेंट्स में। एंड शो आगे बढ़ने से 5 मिनट पहले बार बंद हो जाएगा। तो चीयर्स। आले। अच्छा, सो विद्या ना एक सवाल, या द मोस्ट ऑब्वियस थिंग इज तुम्हारी सुनने वाला तारी, लेकिन वो थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, कंप्लीटली अलग मीडियम है, कंप्लीटली अलग दुनिया है, फिल्म से या टेलीविजन से, रेडियो की दुनिया। तो दो ही शब्दों का सवाल है, व्हाई रेडियो? व्हाई रेडियो बिकॉज़ आई थिंक एक्चुअली मुन्ना भाई और लगे रहो मुन्ना भाई और तुम्हारी सुनो के बाद लोग कहने लगे कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है। तो वाकई में यार, इट्स अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट वॉइस है, रियली। थैंक यू। तो सब कहते रहे कि रेडियो करना चाहिए। सो आई सेड कुछ यू नो रेडियो पे मैं क्या करती हूँ, द जॉक्स आर सो गुड, यू गाइस आर मतलब कमाल। तो मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई, देन बिग एफएम केम टू मी एंड द आइडिया धुन बदल के तो देखो वाज जस्ट फिनोमिनल। बिकॉज मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है। ब्रजेश अगर आपने मौका दिया तो मैं आपको बात करने का मौका ही मिलूंगी। तो बात यह है कि मुझे लगता है बात करते करते मुद्दों पे या जनरली भी यू नो जब किसी से बात करते हैं तो इश्यूज को बहुत अच्छी तरह समझने लगते हैं, रिलेशनशिप्स को। कभी किसी दोस्त से आपने बात किया तो यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप बेटर, यू बिगिन टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ बेटर। सो आई सेड व्हाट बेटर वे टू मेक पीपल जस्ट थिंक। वी आर नॉट सेइंग हम दुनिया बदलने आए हैं, हम कह रहे हैं धुन बदल के तो देखो। तो आई थॉट दैट वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बिकॉज दैट्स माय मंत्रा। मैं किसी से कहना नहीं चाहती कि नहीं आपको ऐसा सोचना चाहिए वगैरह वगैरह, बट आई लाइक टू थिंक एंड आई लाइक टू मेक पीपल थिंक एंड आई लाइक इट व्हेन पीपल मेक मी थिंक एंड दिस वे मुझे देश भर के लोगों से बात करने का मौका मिलता। सो आई जस्ट थॉट इन बिग एफएम गाइस What a reach! तो मैं बहुत ग्रीडी हूँ, फिल्मों से तो प्यार बहुत मिला है सब जगह से, पर 59 स्टेशन से उनके देश भर में तो लालच में आ गई। क्योंकि आपने मुद्दे समझने की बात की या अपने आप को समझने की बात की या रिलेशनशिप्स को समझने की बात की, जाहिर है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसे मुद्दों के बारे में बात करने वाली हैं जो हम आमतौर पे करने से हिचकिचाते हैं, इवन वन ऑन वन लेवल। या एब्सोल्युटली। ओके, तो उसको लेकर एक सवाल मेरा ये है कि सोसाइटी को लेकर, फॉर एग्जांपल अब एक सेट किया हुआ ब्यूटी स्टैंडर्ड है सोसाइटी का, ठीक है, और हम ये बहुत रेगुलरली देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो यंग गर्ल्स हैं उन पर प्रेशर कमाल का होता है टू बी द परफेक्ट शेप, द परफेक्ट साइज, यू नो जस्ट लुक जस्ट लाइक दे शुड बी लुकिंग। इस पर आपका व्यू क्या है, हाउ कैन वी टैकल? ब्रजेश, मैंने ये खुद जिंदगी भर एक्सपीरियंस किया है। आप जजमेंट ऑफ द बॉडी कह सकते हैं या बॉडी शेमिंग कह सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट द परफेक्ट बॉडी टाइप दैट हीरोइंस नॉर्मली आर। ग्रोइंग अप आई वाज नॉट इवन द परफेक्ट बॉडी टाइप दैट बॉयज वुड फॉल फॉर। सो यू नो I always felt कि मैं अपने आप से खुश थी, पर लोग मुझे they were making me feel maybe not consciously but they were making me feel lesser than myself in my body and ये जद्दोजहद जो है जिंदगी भर चला है। So I think now जाके I am very comfortable in my body. I had never thought कि मैं कभी rap करूँगी, मुझे नहीं पता मैंने अच्छा किया क्या किया, but I think it's so thank you try something new, you know, and which is, and previously what would have stopped me is I would have felt ki yaar nahin, main perfect nahin hun, vagera vagera. So I think I have come a long way in understanding this, but I see girls, teenagers, women falling prey to this
370 days out of 365 days a year. So, you know, I think it's a big issue. It affects our self-confidence in more ways than we can even understand. So, you know, just to be able to say, you know, I don't know why, I don't think I should not wear sleeveless because I've got fat arms. You know, things like that. We just want to have conversations with people, let them say what they feel like. And that, I think, will be very freeing for all of us. For them, for me. Because I think we are beyond the body, but we're only seeing ourselves in terms of the body. Oh, kya baat, kya baat. So I really think that that's one of the issues. But you know, isme body shaming hai. There are other issues also that we're going to be talking about. Many other, like child sexual abuse, adoption. Then there are some fun topics like romance between parents. Why is it that, you know, we expect ki romance sirf youngsters ke beech ho sakta hai? Why not, you know, why is it so difficult for us to accept that hamare parents ke beech na sirf romance bahut aur kuch hota hai? Agar nahi ho raha hota to shayad hum yahan nahi hote. You know? So, meri maa nahi, meri maa ne to kabhi. You know, so there are lots of fun topics also that we're going to talk about. Of course, breaking the glass ceiling, looking at the other side, you know, imagining that there is no ceiling for any of us. Ye show mai ek din nahi miss karunga. Badara, astounding show. Acha, listen, we'll call him every day. आपने कहा कि और बहुत सारे फन टॉपिक्स भी होंगे और आपने कहा कि बॉस मैं और पैटर्न्स को मैं स्लीवलेस नहीं पहन सकते, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं. तो जैसे सोशल मीडिया को ले लेते हैं, अब सोशल मीडिया पे बॉस एक परफेक्ट लाइफ कि मी इन बाली, ओह लुक एट माय बाली, या कि मेरे पापा की ऑडी, या फिर फ्रेंड्स चाय पी लो, ये सब ना कि एक परफेक्ट लाइफ अपनी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना एक चलन बन चुका है. डू यू थिंक दैट इट अफेक्ट्स आवर रियल लाइफ? मोस्ट डेफिनेटली. आई थिंक वी ऑल स्टार्टेड पोस्चरिंग, यू नो, कि अच्छा मैं खुद करती हूँ. यू नो यार, डांस करने से पहले फोटो ले लो, उसके बाद बाल बिखर जाएंगे. क्यों डांस करते हुए क्यों नहीं फोटो डाल सकते यार? यू नो, अगर डालना ही है, ऑफ कोर्स वी वांट टू शेयर विद आवर फ्रेंड्स, विद सम पीपल हु आर नॉट फ्रेंड्स इन माय केस, यू नो, एंड इन योर केस आल्सो विद पीपल हु शो अस सो मच लव, विद यू नो. बट आई थिंक इट्स बिकम वेरी अनरियलिस्टिक. बहुत, so it's also funny at one level, and at the I think बहुत control freaks बनते जा रहे हैं हम सब. You know, holidays ज़्यादातर मुझे लगता है, मैं गोवा में थी, एक बहुत खूबसूरत जगह है गोवा में थलासा, वहाँ sunset बहुत खूबसूरत होती है, तो मैं बैठ के मजा ले रही थी और सब ने मेरा view block कर दिया, because सब और वो छोटा वाला सन पे ऐसा पकड़ के लगा, यू नो, एंड देन दे होल्डिंग द सन एंड ऑन, एंड आई जस्ट वांट टू से गेट आउट. तो बेसिकली आई थिंक वी आर नॉट लिविंग लाइफ एनीमोर. क्या बात है, यू नो, एंड व्हिच इज व्हाई आई थिंक ऑल दीस कन्वर्सेशंस विल रियली हेल्प. ऑफ कोर्स वी विल यूज सोशल मीडिया टू प्रमोट दिस शो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट दैट इज अलाउड, राइट? अच्छा, आप में से मैं एक सवाल इन सब के लिए, आप में से कितनों ने चीज प्लेटर की फोटो खींची थी यार? बट अच्छा, नहीं खींची थी आपने? अरे इंस्टाग्राम पर लगे हो यार, हैशटैग फूड पोर्न. सब सब कहते हैं ना चीज प्लेटर, हैशटैग चीज प्लेटर, सिन फ्री चीज प्लेटर, ऐसा कुछ. सुमित, डजंट मैटर व्हाट दे से टू यू.
भैया दिस इज गोइंग टू बी एन अस्टाउंडिंग शो, ये मैं और आप मुझे रोज सुबह बुलाना, मैं पक्का संडे को छोड़ के, ठीक है? हाँ. Okay, ladies and gentlemen, it is now my pleasure to call upon stage the CEO of Big FM, A Thomas, and country head Big FM, Mr. Sunil Kumar. Behind Big FM's philosophy of Dhun Badal Ke Today. See, in these demanding times, expectations of people from media brands like ours has completely changed. People clearly prefer brands which have a purpose. So we've also evolved from a pure entertainment brand to an entertainment brand with purpose. So this was the underlying thought, and this is what's come through across all our interactions with the audiences. So therefore, we said, like, what can we offer? What can we do? What is the purpose of our existence? And radio is a theater of the mind. So we said, we can influence people's thinking. We will influence and inspire thoughts of people. And that's what our purpose is. So Dhun Badal Ke Toh Dekho is our endeavor to actually positively influence the thinking of our audience for a better tomorrow. Fantastic. Okay, so Vidya, I'll tell you something about Sunil now. He has inside his skull, no, there's one crazy creative brain, okay? Sometimes when I come out of the studio no, at like 9 in the morning, you can hear it ticking from across the office. No, udhar se, Hyundai ke showroom ke side se, tick-tack, Sunil aage office mein aisa pata chalta, theek hai? So therefore, Sunil, why did Big FM decide to do a show like this? It's an edgy show. It walks a line. And why, Vidya? Vidya. Hello. Well, why did we decide to do the show? I think, so beautifully put, I think Dhun Badal Ke Dekho is all about giving up rigidity and looking at things from different perspectives, right? Because which is why we're not in politics. Absolutely. We really believe that, you know, if you look at an issue from different lenses, that's when real solutions start emerging. And we are not here to solve problems, like she very rightly said. We are here to make you guys think. And I think radio as a medium, and Big FM has always done that in the past, can really do that. So we believe that we are the thought inspirers, and that's why this show. Now, if you ask me why Vidya Balan, I think that will be like too much to answer right now. See, but to be, when we conceived this show, we were very sure that we want to mount this show at a certain level, because it's very, very important to mount it. So across radio as well as on digital. So we definitely needed someone who brings in a certain amount of stature, right? But more importantly, we also realize it's not just an entertainment show. We are really hoping to make a meaningful difference with this show. And so the person who drives this show has to bring in that gravitas, has to bring in that credibility. And who better than Vidya Balan to do that? Yeah. So it was an obvious choice. Thank you. At least that way, I get big before my name. So it becomes Big B. Who cares? There's a B in between. Achha, dosto, ab main jinko bulane ja raha hu na, wo matlab basically kya hai? Hamari company ke chief financial officer hai, Mr. Ashish Chatterjee. To chuki mera jo pagar hai, wo wahan se aata hai. Zor se, please. কেমন আছো আশিস? আমি এক্সট্রা সুইট, আমিও ভালো. সরি ব্রিটিশ. ওকে, and now it is my pleasure and honor to welcome upon the stage the principal sponsor of this evening and this show, Mr. Keyur Shah, the CEO of Muthoot FinCorp. Mr. Keyur Shah is the CEO of the precious metals business of the Muthoot Papachan Group. You've been with the Muthoot Papachan Group since October 2012? Yeah. Absolutely.
And please, Ashish. If I may. Oh, please, by all means. Oh, see, thank you. To your brand ambassador. Vinesh, before you ask me, I would like to say Vidya Balan Abhidhi, she is the brand ambassador for Gru. I am a big fan of her. Actually, thank you. She is so human, and her screen presence, if you ask anybody in India or abroad, it's very comfortable screen presence, which is very, very rare for a star of that stature to get that comfort or exude the comfort from people. Thank you. You know, I think all the talk just was happening about changing, you know, thoughts and debating on topics which are sensitive. I think she epitomizes this change. Really epitomizes empowerment. And as Muthoot Papachan Group, you know, we are here to serve the common people. We try to empower them. And I think who better we could have, you know, to take our thought. Blue, see, Muthoot Papachan Group, we call ourselves Muthoot Blue. The blue color which we've chosen is because of the sky, the universe, the water, and she epitomizes our Muthoot Blue Soch. Wow. Thank you. Fabulous. Thank you so much. Thank you so much. If I can just add to that, because you spoke of her screen presence, I've known Vidya for a long, long time now. And Vidya is a thinking actor. She is a human being on screen, and I can guarantee you, knowing Vidya, that will translate onto radio. Absolutely. And that is what will win the day. Thank for Big you, Show, thank for Big you, FM, and for Muthoot. I'm thank going you. Out of this space with a bigger head. Thank you, all of you. And ladies and gentlemen, please, time for a photo up. If I may request you all. If it's safe. Photos ka time baad mein milega. We still have to call upon just a couple of other people. Hi, I'm Sandhya Kumar. Nice to meet you finally. Hi, good, how are you? Photographs, please. Thank you, good to see you too. No, but I think firstly, I must mention Suhela here from Big FM, who's Suhela, and there's a team that works on the ideas. Wo mere paas idea lekar aaye, and I thought it was phenomenal. Kyunki मैंने इस बारे में सोचा है अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश की है पर वो सब दे यूज्ड टू से नो या वी डोंट वांट टू थिंक ऑफ आवर पेरेंट्स लाइक दैट सो आई वुड बी लाइक यू नो ये सोच थी मेरे में पर व्हेन आई मेट दिस टीम आई वाज अमेज्ड बाय द रेंज ऑफ टॉपिक्स दे ब्रॉट टू मी इंक्लूडिंग दिस वन बिकॉज ये सिर्फ संगीन मामलों को के बारे में हम नहीं बात करने वाले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स You know that sometimes we just don't end up talking about. I will make sure ki mere marte dam tak hamari shaadi mein romance ho. Vidya, just a new words here. Vidya, the song that you performed here talks about body shaming and even bullying. Now, both these things you've been very vocal about how you've been subjected to in the initial phase of your Bollywood career. Not bullying, but yes, body shaming. For sure. Vidya, could you describe me what did that phase do to you? And, you know, I mean, were there emotional turmoils that you went through to come out of the zone? Of course, most definitely. You know, it's not just after I became an actor, but I think through school and college, everyone would refer to me as Moti, a Laurel and Hardy ja rahe, meri friend bahut patli hai. So
तो जब हम साथ में जाते थे तो लॉर्ड लनहाड़ी बुलाते थे हमको एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स यू नो पीपल वुड से सच अ ब्यूटीफुल फेस व्हाई डोंट यू लूज सम वेट अरे एक्टर बनना चाहती हूँ ऐसे देखते थे तो यू नो आई थिंक इट ब्रेक्स योर कॉन्फिडेंस समवेयर एंड बॉडी कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एट सम स्टेज वी विल गो बियॉन्ड दैट बट आई थिंक फॉर नाउ बिकॉज I've realized that so much of our conversation happens around the body. The moment you enter a place, people will say, oh, you lost weight, na? Lovely. You put on a little weight. It's always about that. Pata hai, mere paas ek naya diet hai. I've started doing this. You know, I've started CrossFit. There's, jaise hawa ho gaya. People have started posting videos of their fitness and all. And it's great to motivate other people as long as it's about fitness and it's not about unrealistic goals. Of being, you know, so-called beautiful. So I think at various points it's broken me. I remember when someone did not reciprocate my crush. I thought maybe it's because I was not, you know, the perfect body. But today I know that it was his loss and not mine. Yeah, I have a question for you. Yeah. Would you like to sit down? No, thank you. Hi, Vidya. Hi, Bhavna this side. हर चीज के बारे में बहुत खुल के बात करती हैं और इस शो में भी आप करने वाली हैं लेकिन कोई ऐसा टॉपिक जो आपको अनकंफर्टेबल लगता हो जिसके बारे में कभी आप बात करने से कतराती हो अभी तक तो नहीं अगर आपने आइडिया दिया तो शायद मैं कहूँगी अरे इस बारे में मैंने सोचा नहीं है पर आई एम हैप्पी टू टॉक अबाउट एनीथिंग अभी तक तो ये बात आपको पता चल ही गया होगा Vidya, this is Priyanka from Indian Express. Hi. Vidya, I recently spoke to Tapsee and you know she told me that how the struggle never really ends for a female actor in Bollywood, right? Despite her enormous success. For Vidya Balan, who's massively successful in Bollywood, has the struggle really ended or the pertinent sexism in the industry continues to be a huge obstacle? I think there is a sexism not just in the industry, but in our society. In our country, in the world. But having said that, I've reached a stage where I put myself in a position where it does not affect me. But it's taken a lot, and I completely empathize with everyone who still faces it. But you know, probably I've insulated myself in a way. But I would say it definitely exists. You can't deny that it does. Vidya ma'am. आपकी नजर में ये क्या है मैं किसी के बारे में जजमेंट पास नहीं करना चाहती मैं सिर्फ बोलूंगी कि आई एम अनकंफर्टेबल डूइंग इट व्हिच इज व्हाई आई डिडंट डू इट टू ईच हिज ओन मे बी दे डिडंट इवन रियलाइज कि यू नो क्योंकि आजकल तो जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया पे ब्रिजेश कह रहे थे कि सब कुछ मतलब लोग हर चीज़ पे कमेंट कर रहे हैं तो मे बी दे थॉट इट वाज नॉट बिग एंड वी शुडंट यू नो रियली बिकम जज ज्यूरीज एग्जीक्यूशनर्स एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट टू ईच हिज ओन मैं नहीं कर सकती मैंने नहीं किया दैट्स इट उनके वैल्यूज को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा क्योंकि बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं लोग ऑडियंस आई थिंक अब वी हैव टू टेक अ स्टैंड या इट्स आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि आर्ट्स शुड बी you know there should be no boundaries in art but this time I'm feeling like bahut ho gaya just one last question if anyone has one last question for Vidya yeah Vidya hi over here hi yeah my question is are you going to raise any subjects like you know domestic violence and yes yes and also going to give some solutions like legal advice something like that no you know, we will definitely talk about the options available, probably, you know, give you information about the people you can seek help from.
But you know, we cannot give you any legal advice. It would be wrong of us to give any sort of legal advice, but we will help you by giving you the right kind of information. Thank you. Yeah. Hi. Hi, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, भारत में भी लोग काफी अफसोस जता रहे हैं, बहुत ही बुरी घटना है। जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया था, आपने कहा कि बहुत हो गया, बहुत लोगों के मन में ये फीलिंग है, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है दो देशों के बीच में या दुनिया में, जब वॉर होता है या कुछ भी होता है इस तरह की बड़ी घटना, तो माना जाता है कि जो आर्ट है वो ही बचा सकता है रिलेशनशिप को और वो ही ह्यूमैनिटी को बचा सकता है। ऐसे में आर्टिस्ट को बैन करना और जो कल्चरल एक्सचेंज होता है उसे भी बैन कर देना, स्पोर्ट्स को बैन कर देना, आपको क्या लगता है कि वो सही है? मुझे, मैं खुद मानती हूँ कि देयर इज नो बेटर वे टू ब्रिंग पीपल टुगेदर देन द आर्ट्स, यू नो, वेदर इट्स म्यूजिक, डांस, थिएटर, मूवीज, व्हाटएवर। बट इस बार आई डोंट नो क्यों, आई थिंक मे बी वी शुड जस्ट फॉर नाउ टेक अ ब्रेक, देखते हैं, सम टफ कॉल्स विल हैव टू बी टेकन एट सम पॉइंट, यू नो। I think we as Indians are very large-hearted, accepting, forgiving. पर एक वक्त के बाद ना, I think it's important. So thank you for all your questions. Thank you very much. As we all know, Vidya Balan wears many hats, and this is a new one that she's added, and she signed them, and she would like to give some of them to you. Can I kiss them and throw them? Oh my God! Oh, wow. कोई मेरे फेवरेट नहीं है, सब मेरे फेवरेट्स हैं। नीचे भी डाल दो, नीचे 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 नीचे। अरे इकड़े भागे भागे खत्म हो गया। Thank you very, very much for being here today. Thank you, guys. Dhun badal ke to dekho.